नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन में नगर पालिका अध्यक्ष ने किया लाडली बहना योजना का शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण की अनुकरणीय पहल है लाडली बहना योजना। पंकज श्रीवास्तव बाड़ी। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का शुभारंभ। नपा अध्यक्ष श्रीमती ममता धर्मेंद्र चौहान, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंकज श्रीवास्तव, नपा उपाध्यक्ष सुरेश पाल, पूर्व नपा उपाध्यक्ष अनिल सोनी, CMO हरिशंकर वर्मा सहित उपस्थित गणमान्य नागरिक पार्षदगणों द्वारा सरस्वती पूजन कर किया गया। गरिमामय कार्यक्रम की शुरुआत महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत व्याख्यान देते हुए नपा अध्यक्ष श्रीमती ममता धर्मेंद्र चौहान ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहनों के लिए प्रारंभ की है। मैं चाहती हूँ नगर की समस्त लाडली बहना स्वयं आगे आकर योजना का लाभ प्राप्त करें। आपकी सुविधा के लिए संवेदनशीलता के साथ नगर के समस्त वार्डों में शिविर आयोजित कर 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपसे अपील करती हूँ कि इस योजना से जुड़कर अवश्य लाभ प्राप्त करें। भाजपा मंडल अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की अनुकरणीय पहल है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है। वह हमारे जैसे ही आम आदमी से मुख्यमंत्री बने हैं। वह जानते हैं आम आदमी की दिनचर्या क्या है। गरीबों लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने अनेक योजना बनाई, जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, मातृवंदना योजना, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना जैसी अनेक योजनाएं बनाकर आम आदमी को सशक्त बना रहे हैं। ये योजना से हमारी बहनें सशक्त होकर समाज परिवार में अच्छे से रह सकती है। नपा उपाध्यक्ष सुरेश पाल ने बताया कि आज से 30 अप्रैल तक नगर के समस्त वार्डों में शिविर आयोजित कर फॉर्म भरे जाएंगे। सभी बहनें आगे आकर योजना का लाभ लें। उन्होंने स्वयं अनेक लाडली बहनों के फॉर्म भरकर योजना की विस्तृत जानकारी दी। पूर्व नपा उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने भी अपने उद्बोधन में शासन की जनकल्याणकारी अनेक योजनाओं पर विस्तृत उल्लेख किया। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महिलाओं का फूलमाला पहनाकर नपा अध्यक्ष ममता धर्मेंद्र चौहान, पार्षद रीना सोनी, पार्षद मोनिका राकेश वर्मा ने स्वागत किया। गरिमामय कार्यक्रम का आभार CMO हरिशंकर वर्मा ने व्यक्त किया। इनकी रही उपस्थित पार्षद दीपक तेकाम, कपिल कुमार अहिरवार पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पार्षद प्रतिनिधि था, होशियार सिंह परिहार पार्षद प्रतिनिधि, रघुवीर सिंह ठाकुर, दिनेश शिल्पी, तुलाराम कुशवाहा, अमित साहू, शुभम चौहान, दिनेश उपाध्याय, राजू कोरी, संजय चंदेल, हरिओम उपाध्याय, अरविंद चौहान, अमित शर्मा, शुभम जैन, घनश्याम पाल, अलीम खान, गोविंद चौहान, रामगुलाम ठाकुर, मयंक शर्मा, लीलाधर कहार, मुंबर अली, दीपक शर्मा, सत्यम शिल्पी सहित अनेक मातृशक्ति लाडली बहनों की उपस्थिति रही। रायसेन संवाददाता ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव एवं लाडली बहनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मजबूत शासन द्वारा योजनाएं हमारी लाडली बहनों के लिए शुरू की गई है, जिनमें मैं चाहती हूँ कि हमारे नागरिक क्षेत्र की सभी बहनों इस योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं आगे आए और इस योजना से जुड़कर लाभ प्राप्त करें।